काया की कागज पर राम की निशानी, जुल्म, व्यथा और विद्रोह के साथ अदालत में राम नाम के बंटवारे की कहानी। सवाल यह था कि राम पर किसका हक? क्या सिर्फ उन सवर्णों का जिनके पास मंदिर था, या उन दलितों का भी जिनके पास राम नाम को समर्पित तन और मन के अलावा और कुछ भी नहीं था? इसलिए अब से लगभग 120 साल पहले छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के चारपारा गांव के दलित परशुराम को जब सवर्णों ने मंदिर जाने और रामायण पढ़ने से रोका, तो परशुराम ने अपने तन के मंदिर पर मन का ऐसा रामायण रच डाला था जिसकी स्याही कोई मिटा नहीं सकता था। दलित परशुराम के तन के साथ राम नाम एकाकार हो गया था, इतना एकाकार कि अब उस परशुराम को राम से कोई भी अलग नहीं कर सकता था। वो सवर्ण भी जिन्होंने परशुराम को अछूत कहकर मंदिर जाने से रोक दिया था। जाति और छुआछूत की व्यथा से पैदा हुआ ये एक दलित परशुराम का विद्रोह था। विद्रोह रोम रोम में राम रचा लेने का, विद्रोह तन से मंदिर और मन से राम हो जाने का, और देखते ही देखते जात पात की कुप्रथा के विरुद्ध परशुराम का ये राममय प्रतिकार एक भक्तिमय दलित आंदोलन में तब्दील हो गया। और यहीं से शुरू हुई राम नाम की स्याही से तन को मंदिर और मन को राममय बना लेने वाले निर्गुण और निराकार राम नाम के उन हजारों उपासकों की यात्रा जो रायपुर जिले के जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, गरियाबंद और जमगहन गांव सहित कई हिस्सों में फैल गई और लोग इन्हें रामनामी के नाम से जानने लगे। रामनामी यानी वर्ण रहित, एक ऐसा समाज जिसमें किसी भी तरह की हिंसा, मांस मदिरा का सेवन या झूठ बोलना अक्षम्य अपराध माना जाता है। यहां ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई गुरु ना कोई शिष्य, ना मूर्ति ना मंदिर, ना देवी ना देवता, ना स्वर्ग ना नर्क, ना कोई कर्मकांड और ना मोक्ष यहां सत्य है, तो बस तन के मंदिर पर राम का नाम, राम का स्मरण और राम नाम का सुमिरन। लेकिन अछूत माने जाने वाले लोगों के तन पर राम नाम का अमिट हस्ताक्षर उन सवर्णों को आखिर कैसे मंजूर होता? वो भी तब जब उन्होंने दलितों को मंदिर जाने, रामायण पढ़ने, यहां तक कि राम का नाम लेने तक से वंचित रखा था। उनका तो यही मानना था कि राम पर सिर्फ उनका हक है। लेकिन उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन दलितों के मंदिर जाने और रामायण पढ़ने पर मनाही है, वही दलित अपने काया की कागज पर राम नाम का ऐसा अमिट निशान अंकित कर देंगे जिसको उनके जीते जी मिटाया नहीं जा सकेगा। और दलित परशुराम के बाद देखते ही देखते हजारों दलितों का तन चलते फिरते मंदिरों में तब्दील होने लगा। सिर पर मोर पंख का मुकुट, हाथ में घुंघरू और शरीर के रोम रोम पर राम नाम के अमिट निशान के साथ हर तन मंदिर, हर मन राममय होने लगा। दलित राम नामियों का ऐसा राममय विद्रोह जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले लोगों को नागवार गुजरा। लेकिन हजारों तन पर छप चुके उस अमिट राम नाम को अब कौन मिटा सकता था? लिहाजा मामला अदालत पहुंचा। ये साल था 1912, जब ब्रिटिश कोर्ट में सवर्णों ने यह दलील दी कि इंसानी तन पर राम का नाम अंकित करने से राम भक्तों की धार्मिक भावनाएं और राम नाम की पवित्रता आहत होती है। अदालत में इस आरोप के जवाब में राम नामियों ने यह तर्क दिया कि उनके राम मंदिर में विराजने वाले राम और अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम से अलग है। राम नामी उस राम के उपासक हैं जो निराकार है, निर्गुण, जो कण कण में व्याप्त है। राम नामी एक राम की नहीं बल्कि उसकी अविरल नाम धारा यानी राम राम की उपासना करते हैं और राम राम ही अपने शरीर पर लिखवाते हैं। मां शबरी के मंदिर के अलावा राम नामी ना किसी मंदिर जाते हैं और ना ही मूर्ति पूजा करते हैं। इसलिए मूर्त रूप में मंदिरों में विराजने वाले भगवान राम और राम नामियों के निर्गुण और निराकार राम में भेद है। अदालत का फैसला राम नामियों के पक्ष में आया था और यहीं से राम नामियों को अपने शरीर पर राम राम अंकित करने का कानूनी अधिकार भी मिला था।